हे फैमिली, वेलकम बैक टू दी अंदर वीडियो ऑफ प्रिंट ब्लॉग्स। तो गाइज, आज डेट है 26 नवंबर और अभी 1:30 बज रहा है और अभी मैं ब्रंच कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करा था, तो मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा था। तो अभी मैं ब्रंच कर रहा हूँ और प्रीति ने पनीर के पराठे बनाए हैं दूध एंड अमूल बटर के साथ। और अभी आप लोगों ने जो शॉर्ट्स देखे थे वो दोस्त की शादी है अभी 28 तारीख को, तो मुझे लगा था शादी वाले दिन सुबह हल्दी होती है जैसे हम लोगों में होती है, तो उनके में मुझे आज सुबह फोन आया कि अभी हल्दी है, तो मुझे मतलब मैं सरप्राइज हो गया अभी हल्दी। तो अब ये है कि डेली उसकी हल्दी लगी, कल भी लगी थी, आज भी लगी, फिर शादी वाले दिन भी लगी, तो पाँच इनके में 5 बारी लगती है हल्दी। तो ये काफ़ी अलग सा मुझे कुछ रीति रिवाज लगे जो हमारे में तो एक ही बारी लगती है शादी वाले दिन। तो अभी हल्दी का फंक्शन थोड़ा सा था, वो अटेंड कर आए हैं। कमेंट में बताना ऐसे ये वाला रीति रिवाज किस किस के में होते हैं, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम देखा ऐसा कुछ। और वो जो पूरी फेंकने वाला भी था वो अलग था कुछ, तो अच्छा लगा। बाकी अभी मैं लंच कर रहा हूँ और क्यांशी को नींद नहीं आ रही है, क्यांशी बस सो भी गई, अभी रो रही थी, क्यों सो गई। मम्मी हाय कर दो, आप भी, बहुत दिन हो गए। हाय गाइस, कैसे हो, कैसे हो। और प्रीति किचन में पराठे बना रही है हमारे लिए। हेलो, पराठे खा लो। तो अभी पराठे एंजॉय करते हैं, फिर मुझे जाना है मार्केट किसी काम से दीपक मेरे फ्रेंड के साथ। और 24th को क्यांशी का 5th बर्थडे था, 5 मंथ की हो गई क्यांशी, बट पहली बार हुआ ऐसा कि हम लोगों ने उसका शूट नहीं करा, बट आज हम उसका शूट करेंगे क्योंकि मैं अभी बिजी चल रहा था और टाइम नहीं मिल पाया, हमें याद था। Much later. तो गाइज अभी 8:10 हो रहे हैं और सारा दिन कुछ भी शूट नहीं करा क्योंकि मैं दीपक के साथ गया था तो मैं बिजी था बहुत ज़्यादा बाहर। तो अभी मैं 7 बजे आया था घर, उसके बाद मैं कुछ काम वाम कर रहा था, तो अभी फ्री हुए हैं। और आज का प्लान था कि क्यू का 5th मंथ बर्थडे का फोटो शूट करना था, वो भी हम बाहर फिर जा रहे हैं, फिर आगे करेंगे। तो अभी बाहर हम जा रहे हैं, आज ब्लैक फ्राइडे है, तो कल मैं गया था दीपक के साथ वहाँ पे बर्गर क्लब में, तो वहाँ पे मेरे को एक कूपन मिला था और ये है 100 रुपीज़ फ्लैट का ही मिलेगा कुछ भी, अगर मैं कोई बर्गर 300 वाला भी होगा वो भी लूँगा तो वो भी मेरे को 100 का मिलने वाला है। तो आज अभी जाएंगे और एक ही है, एक ही कूपन मिला मुझे, तो वो प्रीति को पार्टी देते हैं कि हम तो कभी भी सस्ता सा खा लेंगे। अब चलते हैं जल्दी से और वहाँ पार्टी करते हैं, देन आके क्यू का फोटो शूट करेंगे, ठीक है क्यू? ओके क्यू, आपको थोड़ी मिल रहा है बर्गर जो इतना खुश हो रहे हो। हाँ, बर्गर खाओगे आप है? क्या खाना? बाय बाय क्यू, बाय बाय क्यू। कमेंट में बताना आजकल ये वाली गेम कौन कौन खेलता है फेसबुक में, बहुत वायरल हो रही है। मम्मी का सारा दिन ऐसे निकल जाता है गेम में। अच्छा, क्यू पे ध्यान ही नहीं है। पकड़ में गेम
आजकल बहुत वायरल हो रही है ये गेम। हाँ ना, क्यों सही बोला ना मैंने। हाँ जा रहे हम, बाय बाय मम्मी। अब क्यों खुद ही ध्यान खींचाइए अपने सरो। चलो बाय। फिर से लास्ट पता नहीं कब आया था। बर्गर क्लब। गाइस 8:44 एंड हमारा ऑर्डर आ गया है। मैं आपको दिखा दूँ क्या क्या एक अभी चीज़ पेंडिंग है। और ये देखो गार्लिक ब्रेड सबसे पहले तो जबरदस्त विद अ डिप। और बहुत सारी गार्लिक ब्रेड। ये वाला चिकन है ब्रो। स्पाइसी मैंगो मुझे तो एंजॉय बेबी। और प्रीति का भी आ गया वेज। भाई साहब इसमें तो चीज वीज भरा पड़ा है। तो गए 10 बज रहे हैं, हम लोग आ गए थे घर। उसके बाद अभी हम लोग गए थे खाने और खा के आए हैं, तो अब घर का खाना भी ज़्यादा ज़रूरी है तो इसलिए खा रहे हैं। वैसे तो हमने बहुत बड़े बड़े बर्गर पाड़े, पेट में जगह नहीं है, बट हमें थोड़ा सा डर है किसी का, तो इसलिए घर का खाना भी खाना पड़ रहा है। और ये दाल मम्मी ने बनाई है, दाल चावल खा रहे हैं। तो हमेशा की तरह मम्मी हमारी चावल जब भी बनाती है तो जलाती है, तो कमेंट बताना किस किस की मम्मी चावल जलाती है और डर के मारे कौन कौन खाता है। तो गाइस अभी हम लोगों ने खाना खाया और तुंगनाथ का व्लॉग देख रहे हैं। और क्यों देखो कितना इंटरेस्ट लेके देख रही है, मौज आ गई जरा आपके, और खुश हो रही है बीच में। क्या देख रहा था? जय भोले। तो अभी मम्मी जा रही नवीन के घर गोनों में, जो लेडी संगीत होते हैं वहाँ जा रहे हैं, और हम कर रहे हैं वीडियो एडिटिंग। और प्रीति दे रही है डायना को खाना, तो उसके बाद अभी प्रीति डायना को खाना देगी, फिर हम जाएंगे ऊपर, फिर हम क्यांशी का फोटो शूट करेंगे, मम्मी तो वहाँ चली जाएगी। आप लोग बोल रहे हो कि वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है, अभी बीच में भी मैंने 3 दिन ना वीडियो नहीं डाली, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि मैं किसी काम में बिज़ी हूँ, बहुत ज़्यादा चल रहा हूँ, और फ्यूचर की किसी ब्लॉग में मैं कुछ अनाउंस करने वाला हूँ, मैं वीडियोस नहीं डाल पा रहा, तो आप लोग समझोगे इस चीज़ को। एडिटिंग का भी टाइम नहीं मिल रहा मुझे, वीडियो पोस्ट करने का भी टाइम नहीं मिल रहा, बस ये है कि मैं थोड़ा बहुत शूट कर ले रहा हूँ इधर उधर, तो बिज़ी चल रहा हूँ बहुत ज़्यादा आजकल। कफन पाको छेता मेरी छेला।